नमस्कार देवी और सज्जनों, जय श्री राम। अभी मैं हूँ अयोध्या कैंट के रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ, ये वही ट्रेन है जो अभी नई स्टार्ट हुई है, अयोध्या से लेके नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनस तक जाएगी। और भाई ट्रेन काफी ज्यादा लेट है, इसका टाइम था 3:30 का और अभी टाइम 8:10 हो, अभी भी 20 मिनट बाद कम से कम निकलेगी। तो चलते हैं, अयोध्या से दिल्ली तक का सफर दिखाएंगे आपको, नई वंदे भारत ट्रेन में हमारा सफर कैसा रहेगा, देखते रहो वीडियो को। सबसे लास्ट पर गाइस, इस बार भी अपने को ये बड़ी टेबल वाली सीट मिली। लास्ट टाइम भी ऐसी सीट मिली थी जब मैं वैष्णो देवी ट्रैवल कर रहा था, और इस सीट पर ट्रैवल करने का मजा ही अलग आता है। वही मैसिव सीट यार, ये तो सबसे बढ़िया सीट होती है इसकी। मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास में भी यही होता है कि सीट्स बड़ी मिलती है और उसको रोटेट कर सकते हो, अपने को रोटेट करने की जरूरत नहीं है, साथ में बैठे हो चेयर देख सकते हो कितनी बड़ी है। तो यहाँ अपना मील आएगा और पूरा सफ़र करते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसा रहेगा हमारा सफ़र वंदे भारत के साथ। की पहुँची ये हमारे हिंदुस्तान की जनता जो अभी अभी राम मंदिर के दर्शन करके आने के बाद लड़ाई देख लो कैसे कर रहे हैं कुत्तों की तरह। और भाई सफर स्टार्ट हुए, अभी 15 ही मिनट हुए हैं और पानी की बोतल सर्व हो गया और गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है कुछ 108 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से हमारी गाड़ी अभी चल रही है। अभी रियल नीर की पानी की बोतल सबसे पहले हमें सर्व हुई है। अभी देखते हैं आगे वीडियो में क्या क्या सर्व किया जाएगा हमें इस वंदे भारत में जो हमें लेके जा रही है अयोध्या कैंट से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल तक। और भाई ट्रेन स्टार्ट होने के बाद दूसरा मील आया जिसमें एक डाइट मिक्सचर और पॉपकॉर्न क्यू मसाला चाय और फ्रूटी और कुछ स्नैक्स थे। हमारा मील इंक्लूड नहीं था, पता नहीं क्या इशू हुआ। मुझे लगा कि मील इंक्लूड होता है इस टिकट में, लेकिन अभी बताया कि ऐड करना पड़ता है, वो हमारा मिस है। कोई बात नहीं, जो भी आएगा दूसरों की वो जरूर दिखाऊंगा। और आप अगर अपनी टिकट बुक करो तो अपना मील जरूर बुक कर लेना, हमसे गलती हो, मतलब मैं ऐसी गलती में था कि मील इंक्लूड होता है, पर कोई बात नहीं, लेट्स सी। फिर सर्व किया गया हमें डिनर ऐसी थाली में जिसमें थी 4 रोटी, राइस, पिकल, थोड़ी सी मिक्स वेज और दही, एक गुलाब जामुन, दाल और पनीर की सब्ज़ी। इस ट्रेन में एक कोच से दूसरे कोच में ट्रैवल करने के लिए ऐसे ग्लास का डोर होता है जिसको आप बटन दबा के खोल सकते हो और आप एक कोच से पूरी ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो। इसी के साथ में एक स्पेशल वॉशरूम है गाइस। जी हाँ, स्पेशल इसीलिए क्योंकि ये डिसेबल्ड लोगों के लिए स्पेशली बनाया हुआ है ताकि अगर कोई व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है तो वो इजीली वॉशरूम जा सके, सेल्फ डिपेंडेंट यूज़ कर सके। काफ़ी बड़ा ये वॉशरूम है और नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आम जनता से कि इसको यूज़ ना करें, इसको डिसेबल्ड लोगों के लिए ही रखा जाए। आम जनता के लिए इस ट्रेन में 2 वॉशरूम है, एक इंडियन स्टाइल और एक वेस्टर्न स्टाइल। और जो ये वाले वॉशरूम है थोड़े से कॉम्पैक्ट है, जगह का यूटिलाइज़ किया हुआ है, वहाँ पे 2 वॉशरूम की जगह 1 वॉशरूम बना रखे हैं, यहाँ पे इनको कॉम्पैक्ट साइज में करा हुआ है। रात भर वंदे भारत में सफ़र करने के बाद जब सुबह नींद खुली तो देखा सभी लोग सो रहे हैं और टाइम देखा तो अभी सिर्फ 7:15 हुए थे, काफ़ी दूर थे हम अभी दिल्ली से। भाई एक बार फिर से चाय सर्व करी जा रही है तो मैंने चाय मंगाई ली, भाई चाय पी लेते हैं। और टाइम अभी 10:30 हो रहा है, अगर ट्रेन अपने एक्यूरेट टाइम पे आती है पहुँचती तो कल रात को 11:30 पहुँचने का टाइम था और 12 घंटे अभी तक हम लेट चल रहे हैं। अभी कुछ नहीं पता भाई कब चलेगी ट्रेन की, मैक्सिमम स्पीड अभी 73 पे चल रही है, आई थिंक हो गया क्या है, सारा शेड्यूल सब खराब है। या तो अभी ट्रेन हमारी 12 घंटे लेट हुई थी और आज तो वंदे भारत उसका भी बात नहीं की। अब कोई नहीं, सफ़र कंफर्टेबल है भाई, सो गए थे हम तो, टेम्परेचर मेंटेन है, अंदर खाने को मिल रहा था कुछ और अंदर सही बैठे चार्जिंग पॉइंट है तो वो थोड़ा सा कम्फर्ट लेवल है। जब भी कुछ ज़्यादा कुछ ज़्यादा ये तो 100 किलोमीटर रह गया दिल्ली, तो इन्फॉर्मेशन सारी मिलते रहती है, आप अभी कर रहे हैं रेस्ट जब कुछ जाएंगे देखते। और फाइनली थोड़ी धुंध खत्म होने के बाद स्पीड मीटर को देख के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली कि हाँ वंदे भारत अपनी एक्चुअल स्पीड को पकड़ रही है, 120-130 की स्पीड, मैक्सिमम 129-130 तक की स्पीड पे रन करती है वंदे भारत। तो ये देख के काफ़ी खुशी मिली कि चलो अब थोड़ी सी उम्मीद आई कि हाँ हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। हेलो फाइनली ट्रेन पहुंच गई आनंद विहार टर्मिनल और हम भी पहुंच गए सेफली।
13 घंटे लेट होने के बाद भाई फोग और वेदर का इशू और ये सब ट्रेन आपको डर पता डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से हम 13 घंटे लेट है बट हाँ पहुँच गए। तो बस ये जर्नी थी, आपने देखा विंटर्स में अवॉइड करना इस ट्रेन को क्योंकि हाई स्पीड की वजह से बिल्कुल स्लो हो जाती है और टाइम जो 130 के हिसाब से कैलकुलेट होता है वो 60 के हिसाब से रहेगा, तो डबल टाइम लगने का चांस रहता है। सो गुड बाय, जय श्री राम। और ये आनंद विहार टर्मिनल से निकलने का मेन गेट और सामने आपको मिल जाती है मेट्रो।